My name is Srushti Jayant Deshmukh and I have secured rank 5 in UPSC CSE 2018. Here I am to share with you my journey, my experience of civil service preparation and what has helped me to achieve what I have done today. सबसे पहली चीज की कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है। जैसे एग्ज़ाम ही एक साल तक चलती है, आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो एग्ज़ाम एक साल तक खुद चलती है। उसके पहले मान लीजिए आप 1-1.5-2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रहती है। उस जर्नी में मेंटली अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए अपने आप पर भरोसा बेहद ज़रूरी है। यू नीड टू हैव अ फेथ इन योरसेल्फ कि अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ बिलीफ अपने ऊपर आपको हमेशा रखना है। कमिंग टू प्रेपरेशन की कैसे तैयारी करनी है, लाइक आई ऑलवेज से सिलेबस इज द थिंग, यू नो दैट्स द बेसिक थिंग एंड द अल्टीमेट। इट्स योर गाइड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेपरेशन टिल द डे ऑफ योर इंटरव्यू। आपको अपना सिलेबस अपने सामने रखना ही है। कमिंग टू डिकोडिंग द सिलेबस, तो प्रिलिम्स का इफ़ यू सी द सिलेबस काफ़ी कम है, 5-6 लाइन्स में दे जस्ट एंड इट अप। मेन्स इज अ थिंग जो बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने किया हुआ है, बताया हुआ है यूपीएससी ने। कमिंग टू द प्रिलिम सिलेबस, 4 फेजेज में आप बांट सकते हैं। जैसे यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स, वो एक डायनामिक पार्ट कवर करता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में स्टैटिक हमने पढ़ लिया कि रेपो रेट क्या होता है। नेक्स्ट डे यू फाइंड इट इन द न्यूज़पेपर कि यू नो इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो आप करंट से कवर कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रेपरेशन स्टैटिक प्लस करंट दोनों को मिला के करिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू टेल। दूसरा, सिलेबस के लिए एनसीईआरटीज आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। वो आपकी बेस बुक्स हैं, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पिक करते हैं उसके पहले आप एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ लीजिए एंड गेट एन आइडिया। कई बार हमको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो वो हिस्ट्री को जल्दी से कवर कर लेते हैं, लेकिन मुझे हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम उसमें। तो ऐसे अपने हिसाब से आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए एंड एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, देन स्टैंडर्ड बुक्स, उनको भी कवर करना है। ज़्यादा मल्टीप्लाइड सोर्सेज नहीं रखने हैं। IAS help desk announces the launch of gist of NCERT books from class 6 to 12 for all the subjects. As you can see, it is a book on Indian economy and socio-economic development. Each book will cover the trend analysis of the subjects and then important topics from which previous year questions have been asked. It will cover all the chapters of the NCERT books and it will be in a point format so that you can revise it before the examination in an easy format. And it will cover the previous year questions from 2011 to 2023 as well as sample questions based on the NCERT material. You can download the sample material from here and if you found it useful you can buy the ebook. Thank you. अगर अभी confusion होता है कि यार ये आने वाला है नहीं आने वाला है, तो आपका एक guide और है, वो है previous year papers. उनको देखते रहिए, किस प्रकार के questions पूछे जा रहे हैं, क्या trend है, उसको खुद ही analyze करिए। ये एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे बहुत बड़ी कोचिंग्स के टेस्ट लगाएं या यू नो कुछ ऐसा अलग करें, आप खुद भी अपने लेवल पर इस एग्ज़ाम को समझ के पढ़ सकते हैं। एक ये चीज़ है कि अपने नोट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। ये काम आपको स्पेशली ज़्यादा ऑप्शनल में आएगा, क्योंकि ऑप्शनल में भी, जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो उसमें ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया था, लेकिन उसके सिलेबस के साथ मैं उसको हमेशा सिलेबस को साथ रखा मैंने और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैंने देखती रही मैं। ऑप्शनल के पेपर में थोड़ा ऐसा है कि थीम्स जो हैं कई बार रिपीट होती हैं टॉपिक्स के, तो उन थीम्स पे आप हमेशा फोकस करते रहिए और कुछ थीम्स के आप अलग से नोट्स बनाइए खुद। मैंने कोशिश की कि मैं खुद अपने नोट्स रेफरेंस बुक से बनाऊँ, क्योंकि जब मैं खुद उसको लिख लेती थी तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी बेटर हो जाती थी।
तो खुद के नोट्स पे मैंने खुद नोट्स बनाने की ज़्यादा कोशिश, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसको मैंने पहले एक बुक में अलग से नोट कर लिया था, वो फैक्ट्स फिर मैंने एग्ज़ाम के बहुत जल्दी पहले ही एग्ज़ाम के जस्ट पास में ही मैंने वो लर्न कर लिए वो फैक्ट्स। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस लिख सकते हैं, तो जब आप आंसर को शुरू करते हैं तो आप उस डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कमिटी की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे ARC रिपोर्ट्स होती हैं, या फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है वो है नीति आयोग का 3-year action agenda। ये जो एक डॉक्यूमेंट है इसमें आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स एक जगह पर मिल जाएंगी, सो यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। और वो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट, उसमें काफ़ी टाइम लगा पढ़ने को, बट जब मैंने एक बार पढ़ लिया था तो काफ़ी कुछ मैं उसका अपने आंसर्स भी कोट कर पाई। टेस्ट हम काफ़ी देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स का टेस्ट है, हम 100 questions तो अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उसको रिवाइज ही नहीं करते। ये मत कीजिए, मैंने बहुत जब ये गलती की बाद में रियलाइज़ हुआ कि कई क्वेश्चंस फिर से ऐसे आ गए जो मैंने पहले कर चुके थे पर मैंने उनको पढ़ा नहीं था। तो आप ये करो, और मैंने ये किया था कि पहले मैंने जैसे एग्ज़ाम दे दी, 2 घंटे में हमने पहले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप घर जाके अपने जहाँ पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके फिर से पढ़िए, जो भी उनका सोर्स है वहाँ से पढ़िए, उसको रिवाइज़ कीजिए, या फिर मैंने उसको अलग एक कॉपी में नोट कर लिया था जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे टेस्ट। जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्ज़ाम के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज़ है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव रिटन द आंसर्स, इफ़ यू नो कि यू हैव कवर्ड द पॉइंट्स वेल, इफ़ यू हैव इंक्लूडेड उसमें कुछ आपने फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने कुछ ऐसे उसमें सॉल्व भी डाला है, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री ही आएगा, अच्छा ही आएगा। तो मेंस एक ऐसा पार्ट है जिस पे आप काफ़ी बैंक ऑन कर सकते हो। मैं जब पर्सनालिटी टेस्ट भी मैंने दिया तो इस बार भी आप नंबर्स देखेंगे तो आसपास की रैंक के हिसाब से मेरे नंबर्स उसमें कम हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दी जनरल स्टडीज़ एंड दी आंसर राइटिंग पार्ट जो मेंस के जो वो है मार्क्स हैं या मेंस का जो एक फैक्टर रहा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस यही बताऊँगी कि आंसर राइटिंग पर आप विशेष फोकस कीजिए। जैसा स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे आपको शॉर्ट रखना है बॉडी एंड देन कंक्लूजन, उसमें छोटी चीज़ जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, आप एक इंश्योर कीजिए कि देखिए जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो दिन में 10-15-20 कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो उन सब से आपको अलग कैसे आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो, ये चीज़ आपका प्रेजेंटेशन और आप जिस तरीके से आंसर लिखते हो कॉन्टेंट को वो मैटर करेगा। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके आंसर में कुछ फैक्ट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, कुछ कमिटीज़ बैठती हैं, जैसे एक प्रिवेसी पे जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो आप मान लीजिए आपको कोई प्रिवेसी पे सवाल आ गया तो आपने उन कमेटी का नाम कोट कर दिया, ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं वो आप उनको इनके बारे में लिख सकते हैं, इंडिया का मैप आप बना सकते हैं, मैंने सीख लिया था कि 10-15 seconds में कैसे जल्दी से मैप बनाना है और उस पर कैसे पॉइंट कुछ करना है, कुछ लोकेट करना है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को एनरिच करेंगी और प्रेजेंटेबल बनाएंगी। तो इस तरीके से आंसर्स पे जैसे हम क्लास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी है कि 1 से 2 आंसर पर डे आपको ज़रूर लिखने ही लिखने हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़ दैट यू आर डूइंग। आंसर राइटिंग से 2-3 चीज़ें होती हैं, ना केवल हमारी एक लिखने का हमें समझ आता है हम क्या लिखते हैं कैसा है, पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होता है, हमें कितना समझ में आया वो भी हमें खुद समझ आता है जब हम आंसर्स लिखते हैं, और इसीलिए आंसर राइटिंग पे आप फोकस कीजिए, 1 से 2 आंसर जरूर लिखिए। टेल यू दैट द मोटिवेशन दैट आई गॉट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम केम थ्रू द प्रिपरेशन इटसेल्फ। व्हेन आई स्टार्टेड आई डिड नॉट रियली नो व्हाट आई वाज गोइंग इनटू, बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग मच एंड मोर आई फाउंड आउट दैट देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड इन आवर कंट्री हु आर अनफॉर्चुनेट, मोर अनफॉर्चुनेट देन वी एवर कैन बी। आई फेल्ट how can I use my learning capacity, my ability to learn, to reach a position where I can help them and better their lives in some manner or the other. This exam would not only help you change other people's lives, but ye aapko bhi ek behtar insaan banne mein madad karti hai. That is the beauty of UPSC ACSE examination. It makes you into a person who's much more sensitive, who's much more responsible,
and who looks forward to doing something for the society. And बस यही single biggest message मेरी तरफ से यही रहेगा कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप ये exam crack कर सकते हैं, तो आपके आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं. तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, excuses मत बनाइए. ऑब्स्टिकल ज़रूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है. चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड. तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए. और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं. एंड एनीवेज आप जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है. कभी भी इस एग्ज़ाम को हाफ हार्टेडली मत दीजिए कि चलो देख के देखता हूँ कैसा है पैटर्न का एग्ज़ाम का. अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है ना, तो घर पे 3 घंटा टाइम लगा के एग्ज़ाम दे दो. पर केवल पैटर्न देखने के लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट मत कीजिए. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या कोई अटेम्प्ट आपने सेट किया है, तो अपना सब कुछ उस एग्ज़ाम को दीजिए. अपना टाइम, एनर्जी, फोकस, जितना भी करेक्ट आप उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं उसको दीजिए. एंड पूरी तैयारी के साथ ही इस पेपर को दीजिए. एंड आई एम श्योर दैट यू विल सक्सीड. सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गुड लक. थैंक यू सो मच.